मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जाएगी। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। मुल्क की सलामती खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। शहरी सुन्नत इब्राहिम की अदायगी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी रिहायशगाह पर ईद गुजारेंगे। आसिफ अली सरदारी, नवाब शाह और बिलावल भुट्टो लाड़काना में ईद मनाएंगे। वक्त का मुकाबला सख्त, मिशन मंडी का फाइनल राउंड शुरू। सुन्नत इब्राहिमी के पैरवी के लिए सस्ते अच्छे और तगड़े जानवर की तलाश जारी। छुट्टी के बायस मुल्क भर की मवेशी मंडी में बेपनाह रश। कहीं जानवर कम हैं तो कहीं खरीदार। कराची में नॉर्दर्न बाईपास की मंडी अभी से सिमटने लगी। पिशावर की बड़ी मवेशी मंडी में जानवर कम रह गए। इस्लामाबाद में कभी खरीदार और व्यापारी आखिरी मौके के मुंतजर। लाहौर, कोयटा समेत मुल्क भर की मंडियों में भावताव उरूज पर। खरीदारों का ज़्यादा कीमतों का शिकवा हो तो व्यापारियों का खर्चे बढ़ने का रोना। मुतवस्सित तबके के लिए जानवर की खरीदारी ख्वाब बन गई। कीमतों ने होश उड़ा दी। मेले के नस्बत इस दफा महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल सन्नाटा लगा हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे लोग आते थे, काफ़ी पहले रश होता था। अब ये छुरी आप देख रहे हैं, ये छुरी पहले मैंने खरीदी थी 150 रुपये की, आज ये छुरी 300 रुपये की हो गई है। आप ये बताएं कि ये सामान है, ये यहाँ लोग बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी। जानवर खरीदने वालों के लिए कसाई की तलाश दर्द सर बन गई। प्रोफेशनल कसाईयों ने आंखें माथे पर रख ली। नखरे ऐसे कि अल्लाह की पनाह, मुआवजा इतना कि सुनते ही दिमाग चकरा जाए। पहले रोज़ की बुकिंग बंद कर दी गई। बासी ईद और तीसरे दिन के लिए मिन्नत समाजत करने वालों से 3 गुना साइज रेट्स की एडवांस वसूली। मौसमी कसाई भी छुरियाँ उठाकर मैदान में आ गए। शहरी मजबूरन कसाईयों से रबतों पर मजबूर। छुरी, चाकू और बुगदे की कीमतें आसमान पर पहुँच गई। बारबेक्यू पार्टियों के लिए कोयले की तलाश जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। कौम के नाम पैगाम, मोहताजों और ज़रूरतमंदों की इमदाद करें। ईद पर ऐसे लोगों को भी याद रखें जो गुज़िश्ता बरस सैलाब की तबाहकारियों से बेघर हो गए। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी का कहना था, ईद उल अज़हा हमें कुर्बानी, सबर और बर्दाश्त का दर्स देती है। आज के दिन मुल्क को हर तरह की शिद्दत पसंदी से पाक करने का अहद किया जाए। चेयरमैन सैनेट सादिक संजरानी ने अपने पैगाम में कहा कि हमें ज़ाती मफदात और तासुबात से बालातर होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना होगा। अफाजे पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ईद उल अज़हा अमन, इत्तेहाद, यगानगत, नौ इंसानी के लिए कुर्बानी का दर्स देती है। आज शहदा को खराज अकीदत पेश करने का दिन है। वतन पर जान कुर्बान करने वाले हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। आज का दिन शहदा की लाजवाब कुर्बानियों को याद रखने के लिए है। और ईद उल अज़हा पर चांद रात की रौनक रूज पर बाजारों में गहमा गहमी। खवातीन सजने संवरने ब्यूटी पार्लर्स पहुंच गई। मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायात पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर रब्ता करें 0337-0310-377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतालका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।